सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 3। तो भाई हम जा रहे हैं सोनप्रयाग, वहाँ पे कार अपनी पार्क करके फिर 4 बजे करीब टैक्सी मिलेगी, उसको लेकर के भाई गौरीकुंड उतरेंगे, फिर वहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं जो रुका हुआ हूँ ना, मैं रुका हुआ हूँ भाई GMB करके अरे होटल है, मैं अभी बाहर से दिखा दूँगा भाई। काफ़ी ज़बरदस्त होटल है भाई यार ये, और सामने का जो व्यू है ना वो तो अलग ही है यार। लेकिन मैं रात को कैसे दिखाऊँ मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि सामने की तरफ ना ये पहाड़ है भाई, बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, और ये सामने बराबर में नदी कोई है, या तो गंगा जी है, जो उनसी भी नदी है ये मुझे पता नहीं, वो बह रही है। तो भाई अभी तैयार व्यार हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाई ये है जो लाइन है, मतलब ये पार्किंग है सोनप्रयाग की, उधर से गेट आता है और भाई ये लगा सकते हो, और वहाँ पर उधर की तरफ भी है ना पार्किंग। तो यार यहाँ तो भाई संडे के दिन आना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, हम संडे के दिन आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता भाई सुबह के, मतलब मैं 2 बजे उठ गया था, 10 बजे सो करके, और 4 बजे मैं घर से, मतलब अपने होटल से मैंने निकल गया था भाई, तब भी तुम ये लाइन देख लो यार। तो भैया बाबा से मिलने के लिए तो टाइम तो लगता है, बाबा से मिलने के लिए तो टाइम तो लगता है, मेहनत भी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बांटने जानी चाहिए। कितने सीटर होगी पता नहीं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जने हैं। 12 सीटर है, 11 का शगुन है भैया, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फोटो भेज दी तूने, 3 आगे, 2 जने कम हैप्पी, 2 जने भी कम कह रहा था। अरे भाई अभी हम 11 बैठे हैं ऐसे, और ये भाई बोलना था कि एक और बैठ जाएंगे, 2 जने और बैठ सकते हैं मतलब। और चला भाई कैसा रहा है नितिन भैया, वीडियो बना लेना आगे की। हाँ कितने हुए अब, 11 शगुन के साथ इनको मिला के 11 हो गए, ड्राइवर को ये तो 12 कह रहे थे, 12 ऊपर नहीं आता है, छत पे बैठता वो लेटता आराम से। अच्छा टोपी के ऊपर 2 जने के बैठा है। तुम कितने लोग थे? हम 3 जने यहाँ दिखा मैं। तुम ना तो सुबह बारिश में भीग रहे होते, तीन बैठ जाते भैया ने उतारे, 3 इस पे और 3 यहाँ, 6 जने, 6 अगर नहीं बिठाओगे 600 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ 6, 4, 10 10 और 3 है, 10 और 3, 13 8 हम हो गए। अबे नहीं, उन्हीं के हिसाब से 6, 4, 10 और 13 13 सीटर गाड़ी है भाई, 13 बंदे जा सकते हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? ट्रैवलर है छोटी 13 सीटर 13 सीटर ट्रैवलर। और है कौन सी कॉलेज दिखाए ना है? बुलेरो है, बुलेरो बुलेरो मैक्स फोर्स होगी ना, फोर्स तो ना है। यो बुलेरो यार, गाड़ी में दम तो रहता है, मैंने सब पूछा भाई से, मैंने कहा पिकअप विकअप, मैंने कहा इसका आप इंजन विंजन कब कराते हो, कह रहा भाई सर्विस वर्विस कराओ, इंजन विंजन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे ऐसे बुलेरो ही चल रही है भाई, ये वाली लोहा लाट गाड़ियाँ रहती हैं यार, देखिए कस्टमाइज भी करा रखे भाई, देखो पीछे से और इसमें जने बैठ जाएंगे। मतलब इनका ये है कि भाई ठूस दो ना सबको, जो भी है ठूस दो उसको पीछे, जितने ज़्यादा जने उतने ज़्यादा पैसे, वही साल है। तो गौरीकुंड पर आगे भाई यहाँ से आप केदारनाथ की यात्रा फाइनली स्टार्ट करते हैं। भाई नज़ारे देखने लायक हैं यार यहाँ तो, चलो बाबा ने यहाँ तक तो बुला ही लिया, नहीं तो भाई अब मुझे पता है सुबह से लाइन में लगा हुआ हूँ। ये देखो टाइम 7:55, 2 बजे का उठा हुआ हूँ सुबह का, तो अब 8 बजे तो चढ़ाई शुरू हुई है, देख लो आप भाई। फाइनली यहाँ से केदारनाथ का फुट ट्रैक स्टार्ट है, ये देखो। तो भाई फाइनली ना केदारनाथ की यात्रा हो गई है स्टार्ट, मतलब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो भाई मैंने ना पहले पहनी चप्पल,
तो मुझे पता नहीं था भाई ऐसी हालत रहती है यहाँ पर, मतलब इतनी गंदगी वगैरह रहती है। पैर रखने की जगह नहीं है भाई, पैर रपट रहे हैं यहाँ। और मेरा जो है फिलहाल ये है ट्रैकिंग वाला ये बैग है, यहाँ बेल्ट बांध रखी है। सामान यार गर्म की वजह से रखना पड़ा ऊपर, पता नहीं भाई क्या मिले क्या नहीं मिले। थोड़ा बहुत गर्म सामान रखा है, पीने का पानी रखा है, खाने के दो चार आइटम रखे हैं। जाओ यार, तो भाई हालत हो चुकी है काफ़ी बुरी। चलो बाबा के दर्शन करते हैं, थोड़ा बहुत व्यू वगैरह दिखाऊंगा आपको रास्ते में, फिर सीधा मिलते हैं भाई मंदिर पे, केदारनाथ मंदिर पर। ऊपर चलने के बाद ही देखो भाई क्या व्यू है सामने। ये व्यू सारी मेहनत तो शुरू कर दे, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, तो फिर भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना भाई मतलब कैमरे में इतना अच्छा दिख रहा जितना रियल जो अपनी आँख से देख रहा हूँ वो दिख रहा है। तो भाई रियल से जो एक्सपीरियंस कर पाते हो वो वीडियो में नहीं कर पाते भाई। व्यू ज़बरदस्त व्यू है, फ़ोन में नहीं होता यार रियल है ना। चलो भाई वो है केदारनाथ मंदिर, हेलीकॉप्टर में लैंड हो गया। हाँ वही है केदारनाथ मंदिर। तो भाई अब हम चल चुके हैं 6 किलोमीटर के आसपास, टोटल 16 है ना, 16 यहाँ से हम चले थे। हाँ शुरुआत 16 ही दिखा रहा है। हाँ ज़्यादा भी हो सकता है भाई, पता नहीं 10.5 किलोमीटर बस, 10.5 बच रहा है भाई, बहुत दूर है अभी, बेस कैंप 9 किलोमीटर। हर महादेव हर महादेव। तो भाई बस एक गलती होती है ना जो मैंने करी, इतना मोटा बैग मत लेगा भाई, इतना मोटा बैग ले के आओगे तो हालत खराब। तेरा बैग तो हल्का है, दो कपड़े हैं मेरे बैग में, मेरे बैग में पता ना किस किस के हैं, मेरे ही हैं भाई, मेरे अकेले कपड़े हैं। बट पता नहीं यार इतना भारी कैसा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई वीडियो में दिखाना चढ़ाई, दिखा कैसी है चढ़ाई, तो ऐसी है यार बट गंदगी बहुत है, गंदगी भाई खच्चर की वजह से है यार, खच्चर तो बंद होने चाहिए कायदे में मेरे साथ। सारी बारिश हो रही है एक तो भाई यार, देखो जिसको जाना है एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से जाओ, नहीं तो जो ऐसे भाई आते हैं ये ले जाएंगे ठीक है। इसमें दो फायदा है, एक तो भीड़ कम रहेगी, खच्चर भाई परेशान करते हैं और भाई गंदगी करते, सबसे ज़्यादा गंदगी करते हैं भाई। पानी तो भर लिया है यहाँ से बट पानी देखो क्या ये पीना सेफ है, कमेंट करके बताना। ये आ रहा है भाई वाटरफॉल, क्या लगता है तुझे, क्या लगता है भाई पहाड़ी तो भाई हमारे घर में लगा है दिल्ली NCR में भैया, हमारा तो बिना, लेकिन मेरे नहीं है भाई, मेरा समर सीवल है ना, जमीन का पानी मतलब फर्क है यार पानी। भाई ये चीज़ें बंद होनी चाहिए यार, दिमाग खराब हो जाता है देख कर, इतनी सुंदर जगह है देखो देखो भाई। यहाँ पर ना अभी एक बड़ा गंदा सीन देखा मैंने, परेशान देख रहे होंगे आप, देखा हुआ यहाँ पे खच्चर बेचारा मर गया होगा, दम तोड़ दिया होगा उसने, तो इन्होंने रस्सी से बांध के उसे खाई में गिर दिया अंदर, कि भाई ले जाना ही पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा, तो रस्सी से बांधा और भाई अंदर ही फेंक दिया। यार भाई ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत है यार ये भाई, बहुत बहुत मतलब मन पे जोर पड़ा भाई उसे देखकर। मैं उधर से आ रहा था, वो वहाँ से खींच रहे थे, 3-4 जने नीचे हैं, 3-4 जने आए, मैंने जान के वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यार मैंने चाहता कि भाई आप लोग वो चीज़ देखो और आपको भी भाई आप भी अपसेट हो, बट सही नहीं है यार ये चीज़, मतलब खच्चर मर गया तो उसको भाई उसके पैर बांध के उसको भाई खींच दिया भाई। इस टाइम बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है, असल में चेक कर के आया यार मैं ना, ये बड़ा सा बैग लिया यार 90 लीटर के आसपास का बैग है, और बैग में अपना खुद का ही वजन इतना है, मैंने कपड़े भी ज़्यादा नहीं रखे बट अपना खुद का ही वजन इतना है कि भाई हालत ख़राब कर दी है। तो भाई ये गलती आप मत करना ट्रैकिंग व्रैकिंग करते हुए, बैग लेना छोटा। तो भाई फाइनली केदारनाथ जो है हमारा 7 किलोमीटर रह गया है, और मैं आपको बता दूं भाई ये ना हमने शॉर्टकट से लिया है, मतलब ये हो सकता है भाई ओल्ड रास्ता हो, तो कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे तो है तो थोड़ा ऐसी मतलब
रिस्की तो रहता ही है बट यार काफ़ी मतलब किलोमीटर से कवर हो जाते हैं। तो ये देखो यहाँ से भी आप देखेंगे लोग आ रहे हैं इधर से निकल निकल के वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो काफ़ी शॉर्ट रास्ते हैं। ये साथ टूटा हुआ है मेरा, तो गाइस ये है वो रास्ता जो कि पहले टूट गया था, मतलब जो परले वगैरह आई थी उसमें 2013 की आपदा में। नया रास्ता है वो यहाँ से है, ये देखो, और वो पुराना रास्ता है ये यहाँ से ज़िगज़ैग होके जा रहा है। ये पहाड़ पार करना पड़ता था हमें 16 किलोमीटर के लिए, अभी हमें पूरा घूम के जाना पड़ रहा है, पूरा घूम के 22 किलोमीटर है, मतलब 6 किलोमीटर फालतू। हाँ भाई हालत खराब हो गई भाई। तुम तो यार जो यहाँ पे जो रहते व्यू देखो यार, ऐसा व्यू पता नहीं किसी ने दिखाया होगा दिखाया होगा भाई, हम तो ऐसा निकल निकल के आए हैं शॉर्टकट में से, तो हमें व्यू दिख गया। ये कैंपिंग वैम्पिंग हो रही है बढ़िया। इसका रेट होता है तो भाई 300 रुपये है एक पर्सन का, एक जना रुक सकता है 300 रुपये में, और बड़े वाले के साथ 500-600 रुपये हैं, उसमें 600 रुपये में शायद 2 जने हैं ऐसा कुछ, और एक जने का 300 का सिंगल। तो कैंप वगैरह है भाई, हाँ नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, तो वही बैठे रहते हैं भाई। तो कैंप वगैरह आपको लेने हैं यहाँ से 4 किलोमीटर है अभी केदारनाथ का जो मंदिर है, ये देखो भाई भाई साहब एक यहाँ से मतलब वाटरफॉल आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, कितने हैं ये देखो, 1, 2, 3, 4। और जो वहाँ जो रहते होंगे उनका क्या होगा? 5 हैं जो वहाँ रहते होंगे घर, पता नहीं यार वहाँ घर तो वहाँ से चले गए होंगे जमले यार, जब जब रास्ता ही कट गया तो वो क्या करेंगे वहाँ पे, बहुत सारे घर थे सब ढह गए। हाँ हाँ घर तो बहुत थे यहाँ लाइन में भाई, जो पर लाई थी देखो ना सब डिस्ट्रॉय पड़ा है, देखो सब डिस्ट्रॉय पड़ा है। और गाइस ये देखो जरा, अबे ये तो क्या कलाकारी है इंडिया की, ये तो समझा लो मानेंगे नहीं करेंगे अपनी मन। अच्छा साले यहाँ क्या घेरने आया भाई, यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं यहाँ घेरा नहीं है, यहाँ इन्होंने घेरा है, कैंप वालों ने घेरा है, कैंप वाले डाल देते होंगे भाई यहाँ ना गवर्नमेंट को, मतलब नहीं यार गवर्नमेंट को भी करना चाहिए ना डंपिंग के लिए, मतलब डस्टबिन लगाना चाहिए और इनसे बोलना चाहिए कि भाई ऐसे मत फैलाओ। जैसे हम पानी की बोतल लेकर, यहाँ तो भाई हट ही नहीं सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता, इसका ना डीकम्पोज होगा। अभी हम पानी की बोतल लेकर आए, हम कितनी हमने कितने की ली, 20 रुपए की बोतल, यहाँ पे 100 रुपए की बोतल है, 20 रुपए MRP है पर बेच रहे 100 रुपए की, चल हमने ले ली ठीक है, अब हम ये खत्म हो गए कोई काम की नहीं है फेंक दी, तो ये तो क्या नाम है यही फेंक दिए, गलती तो इनकी है ना। ये फिर ये कहते हैं क्या नाम है अदर स्टेट से आके, बाहर बाहर के स्टेट वाले बंदे आके यहाँ पे कूड़ा फैलाते हैं, यही लोग फैलाते हैं, यही लोग फैलाते हैं, मतलब बाहर वाले भी डालते हैं, बाहर वाले भी करते हैं, बट यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना इसका डीकम्पोज करने के लिए, कुछ ये तो खैर होगी नहीं, मतलब इन्हें कुछ जाने के लिए होना चाहिए। तो भाई रात का समय है और हम यहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद मैं रूम वगैरह में लेट गया था भाई, बहुत थक गया था। तो अब फिलहाल देख लो भाई केदारनाथ रात के टाइम में, जो केदारनाथ का मंदिर है तो भाई वो ऐसा लगता है भाई क्या बताऊँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ के, जो मतलब ड्रीम थी एक ड्रीम वो पूरी हो गई आज, बहुत कष्ट सहने पड़े रास्ते में बट कोई नहीं भाई, पैदल चढ़ाई करके आए हैं। और भाई अभी रात को बाहर से कर रहा हूँ क्योंकि बस मन था कि रात के समय कह सकता है, और सुबह दर्शन करके हम अपने मतलब निकल जाएंगे दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। तो भाई और मैं कोई वीडियो बनाऊंगा नहीं, बस यही वीडियो है, यहीं पे मैं इसे एंड कर रहा हूँ, सुबह के टाइम भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा कंटेंट ये है नहीं, मेरा कंटेंट गाड़ियों से रिलेटेड है, तो बस मैंने ये वीडियो बना दी। बनाई क्यों, क्योंकि मैं हम अपनी एस्प्रेसो जो कि CNG के अंदर आती है उसको लेकर आए थे, तो भाई हमने सोचा कि चलो थोड़ी वीडियो इस टाइप से ही बना के देख लेते हैं, बट मेरा अभी फ़िलहाल के लिए कंटेंट नहीं है। तो भाई अगर और बात रही है एस्प्रेसो की तो उसका मैं एक्सपीरियंस आपको दे दूँगा। तो भाई ये ना साइड से इसका मंदिर का वो है, मतलब लुक जो है साइड से आप देख लो, और भाई इसकी जो दीवार है ना मैं एक बार पास से दिखाता हूँ, मतलब बताया जाता है कि भाई ये जो पत्थर हैं ये आसपास मिलते नहीं हैं, मतलब ये यहाँ पे पहाड़ों पे कोई आसपास यहाँ पत्थर है नहीं, तो भाई ये सोचने वाली बात है कि कहाँ से ये पहाड़ वगैरह आए थे और कहाँ से इनका भाई वो हुआ। चप्पल उतार देता हूँ भाई, ठंडक हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ठंडा है भाई। ये देखो भाई जो उसमें निशान है ना, ये ग्लेशियर के निशान है, मतलब बर्फ़ में तभी रही थी तो बर्फ़ के निशान है, देखो इतनी मतलब, ये देखो भाई ये निशान देख रहे हो ना, अब ये बर्फ़ के निशान है, मतलब ये बर्फ़ में दबा रहा। तो ये है भाई मंदिर का, और पीछे की तरफ एक बार दिखा देता हूँ, तो चप्पल पहन ली यार, बहुत ही ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। यहाँ से ये बैक बस की है, सबसे बड़ी खास बात ये है भाई मंदिर की, जो मतलब ये आप देखो पास से, मतलब इसमें बर्फ़ के निशाने थे, कितने साल तक बर्फ़ में दबा रहा था मंदिर भाई यार, यूनिक चीज़ है, हमें अपनी जो संस्कृति है भाई उस पर प्राउड फील करना चाहिए कि
कि हम मतलब कितने प्रीशियस जो हमारा रिलीजन है, कितना बढ़िया है, कितना पुराना है। मैं देखता हूँ आजकल लोग थोड़े मॉडर्न हो गए, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, बट भाई अपने रूट्स मत भूलो, कभी मत भूलो। तो भाई ये है वो भीमशिला, ये देखो ये ऐसा आ गई थी। और भाई ये बताते हैं कि मतलब उसमें ही आई थी, है परले में ही। हाँ, ये परले आई थी। हाँ, और भाई ये देखो मतलब बिल्कुल मंदिर के सेंटर में आई है। तो भाई ये तो चमत्कार से कम तो कोई चीज़ है नहीं। और यहाँ लोगों ने घर बना रखे हैं क्या भैया? ये पत्थर पत्थर देखो, पत्थर पत्थर के ऊपर पत्थर रख रखे हैं। ये कुछ भाई अपने अपने मान्यता है। ये देखो ऐसे ऐसे उन्हें छोटे छोटे पत्थर के ऊपर पत्थर रख रखे हैं। ये देखो ऐसे घर से बना लेते हैं ना वो। पीछे भी है कुछ, अब सुबह देखेंगे भाई। अब थक चुका हूँ बिल्कुल, शरीर में जान नहीं है बिल्कुल भी। चारों तरफ पहाड़ है भाई यहाँ पे, चारों तरफ, बीच में क्या जाना।